स्वागत है बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल फन विथ मैथ। आइए आज हम लोग ये जानते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है और कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी को हिंदी में कहा जाता है योग का तत्समक। तत्समक शब्द यहाँ पे बता रहा है कि तत्समक, तत् मतलब जैसे था, समक मतलब वैसे ही रहे, मतलब उसमें कुछ जोड़ा जाए और जोड़ने के बाद भी उसमें कोई परिवर्तन ना आए। तत् इसमें दो शब्द लगे हुए हैं, एक है तत् और दूसरा है समक। तत् का मतलब होता है जैसे था, जैसे था, समक वैसे रहे। तो तत्समक का मतलब हो गया जैसे था वैसे रहे। आइए देखते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी हमारी क्या होती है। तो किसी भी रैशनल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी वो होगी जिसे उसमें जोड़ा जाए और जोड़ने के बाद जो रैशनल नंबर है वो सेम वैसे ही रह जाए। मान लीजिए कि हमारे पास है 3/5 कोई रैशनल नंबर और इसमें हम ऐड करेंगे, किसको ऐड कर सकते हैं, जीरो को ऐड कर सकते हैं। तो जीरो को ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू सेम वही आ जाएगी 3/5। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है। ज़ीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। ऑफ रैशनल नंबर अब आगे हम लोग बात करते हैं कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। एडिटिव इन्वर्स, तो एडिटिव इन्वर्स इसको कहा जाता है योग का प्रतिलोम। योग का प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब होता है अपोजिट, उल्टा, व्युत्क्रम। तो इसमें क्या होगा कि हम किसी भी रैशनल नंबर में किसी संख्या को ऐड करेंगे तो ठीक उसका जस्ट अपोजिट बन जाए। जैसे ठीक जस्ट अपोजिट कैसे हो सकता है, मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर लाइन हो और जीरो जो कि इसका मेन पॉइंट है और बेस लाइन है, इसके राइट साइड में मान लीजिए पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 1, 2 और लेफ्ट साइड में -1, -2। तो अगर हमको 2 का एडिटिव इन्वर्स चाहिए तो 2 के जस्ट अपोजिट में जो मिलेगा, जो उसका प्रतिलोम मिलेगा वो -2 मिलेगा। मीन्स कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी रैशनल नंबर का योग का प्रतिलोम वो होगा कि अगर उसमें उसको जोड़ा जाए तो जोड़ने पे 0 आ जाए। कैसे, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक रैशनल नंबर है 3/7 और इसमें हम क्या जोड़ दें कि जोड़ने के बाद जो वैल्यू आए वो 0 हो जाए। तो मान लेते हैं कि माना ए जोड़ते हैं, माना ए जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद वैल्यू क्या आ रही, 0 आ रही, ऐसा हमने माना है। यहाँ पे हम ए को मान लिए हैं कि लेट ए इज एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स। अब क्या होगा, हमको ए की वैल्यू चाहिए तो 3/7 को हम इक्वल के उस साइड भेजेंगे और हमें पता है कि जब साइड चेंज होती है तो जो लेफ्ट साइड में प्लस रहेगा तो उधर माइनस हो जाएगा, इधर माइनस रहेगा तो उधर प्लस हो जाएगा। ठीक इस तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पर इधर है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो अगर प्लस उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, गुणा उधर जाएगा तो भाग बन जाएगा और भाग उधर जाएगा तो गुणा बन जाएगा। यही प्रक्रिया उधर से इधर को भी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि a इज़ इक्वल टू जो
3/7 है, इसको उधर भेजेंगे, इधर ये प्लस में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 3/7। तो 3/7 का जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो माइनस का 3/7 होगा। तो हेंस एडिटिव इन्वर्स ऑफ इन्वर्स ऑफ 3/7 इज माइनस 3/7, माइनस 3/7। अब इसके बाद हम लोग आगे जानने का प्रयास करेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या। आइए जानते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कैसे फाइंड आउट किया जाता है, क्योंकि आइडेंटिटी जो होती है उसे हिंदी में तत्समक कहा जाता है, मतलब जैसे था वैसे ही वो रहे। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी ए है, ऐसा हमने मान लिया है, तो अगर हमको 3/5 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, हम 3/5 में ए से मल्टीप्लाइड करेंगे और वैल्यू जो है वो सेम आनी चाहिए, क्योंकि लिखा ही है गुणा का तत्समक गुणा भी किया जाए और वैल्यू जो है वैसी की वैसी रहे, तो आना चाहिए क्या फिर से 3/5। अब हम क्या करेंगे, हमको ए की वैल्यू चाहिए, तो अभी अभी हमने बताया था कि अगर इधर जो चीज़ जो वैल्यू मल्टीप्लाइड में है उधर जाएगी तो डिवाइड में, मीन्स 5 इधर डिवाइड में है उधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा और जो मल्टीप्लाइड में है वो डिवाइड में, तो इधर 3/5 है, 5 इधर डिवाइड में था उधर चला गया मल्टीप्लाइड में, और 3 मल्टीप्लाइड में ये इधर आ जाएगा डिवाइड में, मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 3, 5 से 5 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो क्या है, 1 है। अब ये लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर इज 1। अब आगे हम लोग देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। आइए हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होगा कि हम किसी रेशनल नंबर में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाइड करेंगे कि मल्टीप्लाइड करने के बाद जो वैल्यू आए वो 1 आ जाए। जैसे यहाँ पर देखिए, अभी तक हमने जो आइडेंटिटी निकाली, आइडेंटिटी में क्या था कि आइडेंटिटी वो होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो होगी कि उससे अगर दिए हुए रेशनल नंबर में गुणा किया जाए तो उस रेशनल नंबर में कोई चेंजिंग ना आए। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमने दिया था कि 3/5 एक रेशनल नंबर है, इसके मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, तो इसमें अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती थी, 3/5 ही आएगी, मतलब वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में इसमें हम किसी भी रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो होगा कि अगर उससे गुणा किया जाए तो गुणा करने पर वैल्यू 1 हो जाए, मीन्स रिजल्ट जो आए वो 1 आ जाए। तो क्या होगा इसका, इसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज ए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज ए, ऐसा हम मान लेते हैं। अब अगर हमने मान लिया कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारा ए है, तो ए से जब हम दिए हुए रेशनल नंबर में हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो वैल्यू हमारी 1 आनी चाहिए। तो क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास एक रेशनल नंबर है 7/9 और इसमें हम मल्टीप्लाइड कर रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ए से,
और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, वैल्यू आनी चाहिए वन। तो कैसे आएगी, अब देखो हम इससे पता लगा सकते हैं कि 7/9 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो क्या होगा। अब हम ए की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि ए को हमने माना हुआ है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो ए के साथ में जो इधर गुणे में है उधर भाग में चला जाएगा, मतलब 9 यहाँ पर डिवाइड में है उधर मल्टीप्लाइड में चला जाएगा, और जो मल्टीप्लाइड में है वो डिवाइड में। तो 1 के साथ मल्टीप्लाइड में आ गया है 9 और डिवाइड में आ गया है 7, तो बन जाएगा ए इज इक्वल टू 9 × 9 अपॉन 7। मतलब देखा जाए तो ठीक रेसिप्रोकल हो गया है, 7/9 था 9/7, मीन्स द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन नंबर, द रेसिप्रोकल ऑफ गिवन रेशनल नंबर इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है 9/5 और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक इसका व्युत्क्रम रेसिप्रोकल मीन्स 5/9। अगर -7/5 है तो इसका क्या हो जाएगा, ठीक वैसे ही 5/-7। तो आज इतना ही बच्चों, आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को अटेंड करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही वीडियो पाते रहिए। आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई जानकारी आप चाहते हैं किसी भी टॉपिक पे, तो वो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।